और अब खबर उत्तराखंड से, जहां बीजेपी नेता भगत सिंह कोश्यारी के हरीश रावत को अकेले बंदर बताने वाले बयान पर कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने पलटवार किया है। हरीश रावत ने कहा कि मैं अकेला उस बंदर की तरह हूं जिसने अपने दम पर अकेले ही पूरी लंका में आग लगा दी थी। उन्होंने कहा कि मैंने पहाड़ के फलों का ज्यादा स्वाद लिया है, लिहाजा मैं कहीं भी ज्यादा उछल कूद मचा सकता हूँ, इसीलिए बीजेपी इकलू बानर को हल्के में ना ले। कोई एक स्मरण दिलाना चाहता हूं, एक अकेलुए बानर ने ही जो है रावण की लंका जला दी थी। मैं कोई भाजपा की लंका जलाने का दावा तो नहीं करता हूं, जो मुझे उपाधि दी है उसके लिए मैं जरूर उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं तो ऐसा अकेलुआ बानर हूं जिसने पहाड़ के काफल हिसालू से लेकर के किलमोड़ा तक खाया है, तो मैं तो और ज्यादा बढ़िया उछल कूद मचा सकता हूं। राम जी की सेना में हनुमान सुग्रीव कितने ही बानर होते हैं, जो बानर तो सब हमारे साथ आ गए। हमारे पहाड़ में एक पहले बंदर होता था अकेला, बड़ा बड़ा, वो अकेला ही खाता था, बाकी सबको भगा देता था। तो उसी अकेले बंदर की तरह से हरीश रावत ने अच्छे अच्छे कांग्रेसियों को भगा दिया, अब अपनी नैया उसकी डूबने वाली है। विनोद कांडपल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, जिस तरह भगत सिंह कोश्यारी ने हरीश रावत को अकेला बंदर बताकर हमला बोला, उसी वार पर पलटवार किया हरीश रावत ने ये बताकर कि ये बंदर दुश्मनों की लंका जला सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कांग्रेस के जो महासचिव हरीश रावत कद्दावर नेता हैं और आज उन्होंने शायद इस बात का एहसास बीजेपी को करा भी दिया है। जिस बयान पर, भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर आज उन्होंने रिएक्शन दिया और ये कहा कि हाँ, वो अगर उन्होंने उपाधि बंदर की हरीश रावत को दी है तो हरीश रावत उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उस बंदर के रूप में करेंगे कि जिस बंदर ने अकेले सोने की लंका जला दी। और शायद वो बीजेपी को अकेले जो है टारगेट करने में हरीश रावत कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं और इसीलिए वो बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, तो इसलिए बीजेपी उनको हल्के में ना ले, क्योंकि बीजेपी की किसी भी कोई भी दायरा होगा बीजेपी का, उसमें खेत करने से नहीं आकेंगे, उसको डैमेज करने में नहीं आकेंगे। तो फिलहाल जवानी जंग जारी है और ये जंग शायद अभी जवान के तौर पर कितने आगे तक जाएगी ये भी कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी ने जिस तरह से कल रिएक्ट किया था हरीश रावत पे। विनोद, रोकना चाहेंगे आपको। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता भगत सिंह कोश्यारी जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कोश्यारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। जी धन्यवाद जी। कोश्यारी जी, आपने जिनको आपने इकलू बानर बताया, वो अपने आप को वो बानर बता रहे हैं जो लंका जला सकता है। अब अगर आप इस वो क्या कहते हैं, हरीश रावत जी अपने को बानर ही बताते हैं तो उनसे को तुम बानर ही बने रहो, ठीक है। लंका बहुत पहले जल गई है, अब कोई लंका जलाओ नहीं। कांग्रेस की लंका पिछले इलेक्शन में जल चुकी है, अब तो बची खुची कांग्रेस की लंका वो भी खत्म हो जाएगी इस बार जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिसको मुझे कम ना समझे बीजेपी। नहीं, कब तो हम नहीं समझते। हरीश रावत जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, सब कुछ रहे हैं, दो दो विधानसभाओं से आ रहे हैं, है ना, और पांच बार पहले लोकसभा हार चुके हैं। कम क्यों समझते हूँ, हारने में तो नंबर एक है वो जी। लेकिन जिस दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं वो, क्या नहीं लगता कि चुनौती बन सकते हैं बीजेपी के लिए? नहीं, वो हिम्मती आदमी है, पांच बार लोकसभा चुनाव हारे, यहाँ से दो दो विधानसभा मुख्यमंत्री यहाँ से हार गए, तो उनकी हिम्मत को मैं ये थोड़ी कराऊं। कम हिम्मती आदमी है, वो हिम्मती आदमी है मगर सुस्ताहती है जी। लेकिन कोश्यारी दा, क्योंकि आप इतने सीनियर हैं, आवाज नहीं आ रही, मैं हेलीकॉप्टर में, आवाज नहीं आ रही आपकी जी। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर हरीश रावत के हार जीत का रिकॉर्ड बताते हुए, कितनी बार लोकसभा चुनाव हारे हैं, विधानसभा चुनाव हारे हैं, उसके बावजूद भी जो बीजेपी है वो हरीश रावत को कम नहीं आंक रही, यानी कि तंजिया तौर पर हरीश रावत पर एक बार फिर सवाल उठा दिए। तो हरीश रावत का भगत सिंह कोश्यारी पर यह पलटवार था कि मैंने पहाड़ के फलों का ज्यादा स्वाद लिया है, लिहाजा मैं कहीं ज्यादा उछल कूद मचा सकता हूं। विनोद कांडपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।